पार्टनर के माइंड को पुश बटन की तरह अप करो, पुश बटन की तरह डाउन करना सीखो। 24 घंटे पार्टनर के दिमाग में रहना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। पुश बटन होता है क्या, जैसे हम लाइट को जला देते हैं, बटन दबाया लाइट जल गई, बटन दबाया लाइट बंद होगी, वैसे तुम उसको एक रिमोट की तरह अपने पार्टनर को यूज ले सकते हो। रिमोट की तरह वो आपके लिए सोचेगा, ठीक है, 24 घंटे आपके अकॉर्डिंग ही वो चलेगा। आपने कह दिया कि उठ तो उठेगा, आपने कह दिया ना तो ना आएगा, आपने कह दिया कॉल कर कॉल करेगा। आप ये चाहते हो कि आप उसको अपनी मुट्ठी में कर लो, ठीक है, तो आप बहुत सारे तंत्र मंत्र भी अपना रहे होगे, ये बाबाओं के पास जा रहे होगे जो पुश डंडी हरी झंडी कर रहा होगा, ये करूंगा वो करूंगा, अरे बाधा आ गई तेरे को, ये करना पड़ेगा, वो डंडा घुमाना पड़ेगा, तो सारे डंडे वंडे गए तेल लेने, ठीक है। तेल का ऐसा डंडा तुम्हें बताऊंगा, डेफिनेटली उसके माइंड में तुम्हारे अलावा कोई आएगा नहीं। पहले अपने माइंड को तुम्हें सही करना होगा, उसके माइंड को सही करने जाओगे तो डेफिनेटली तुम्हारा ब्रेकअप हो जाएगा, तुम उसके माइंड से आउट हो जाओगे, ठीक है। तुम सही कैसे करोगे, ध्यान से सुनो। उससे पहले अगर रिलेशनशिप से रिगार्डिंग नीड हो तो तुम कॉल बुक कर सकते हो, मेरे नंबर दिख रहे हैं, व्हाट्सएप पे जाके मैसेज करना। डेफिनेटली जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम है जड़ से खत्म करने की कोशिश करूंगा। अब आएंगे मेरे पॉइंट पे, पुश बटन अप एंड डाउन कैसे होगा। पहली चीज, पार्टनर से बात करते करते आपको थोड़ा बताऊं क्या बोलना है, कि यार आपको रेस्ट करना चाहिए, अब मैं आपसे 2-3 दिन बात नहीं कर पाऊंगा, मेरे को ये काम है, मेरे को वहां जाना है बाहर, ठीक है, चलो मम्मी बुला रही है, फोन कट कर दो, फिर अपने हैप्पीनेस वाले स्टेटस वगैरह लगा। उससे होगा क्या, उससे ये होगा कि पार्टनर तुम्हारे लिए सोचेगा, पार्टनर सोचेगा इस मेरे बंदे बंदी को क्या हो गया, ठीक है, मेरे को रेस्ट के लिए कैसे कह रहा है। जैसे आप बात करते करते, अरे यार ये क्या हो गया, जैसे वो बोल रहा है और यूं कहना, यार क्या और आप भी पक रहे हो, मैं भी पक रही हूँ यार, ठीक है, चलो आपको रेस्ट करना चाहिए, ठीक है, आपकी तबीयत सही नहीं लग रही, आप 5-6 दिन खुद को दो, आप दोस्तों के साथ जाओ, आप घूमो फिरो, चिल करो। आपका पार्टनर कहेगा पागल होगी है, साइको होगी है, मेरे को नहीं रहना किसी के साथ, मेरे को तेरे से बात करनी है, तेरे साथ रहना है, तू टाइम नहीं दे रही, तेरे को ब्रेकअप करना, चल निकल यहाँ से, ब्रेकअप कर ले, ये वो फलाना ढिकना। आप एक ही चीज़ कहना, मैं तो तेरे लिए सोच रही हूँ, मैं तो तेरे लिए ही अच्छा करने के लिए ही ये पॉइंट कर रहा हूँ। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आज अपने पार्टनर को खुद से छोड़ रहे हो और उसको वो चीज़ हजम नहीं हो रही। आप क्या डाल रहे हो कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी खराब हो गई, ठीक है, आपको ऐसे ट्रीट करना, आपको ये कहना है कि यार चल मैं 2-3 दिन बात नहीं कर पाऊंगा, तो सामने वाला ये सोचेगा ये क्या हो गया, देखो कल तक आपका पार्टनर भाग रहा था, आज आपको माइंडली उसको डिस्टर्ब करना है, ठीक है, विक्टिम कार्ड खेलना है ताकि उसका माइंड एकदम विक्टिम की तरह डिस्ट्रॉय हो जाए। और आपको करना क्या है, और आपको बात करते करते जैसे, हाँ मैं आपसे कल पक्का मिलने आऊंगी या आऊंगा, मैं ये काम पक्का कर दूंगा, आपके अकाउंट में ये पैसे डाल दूंगा, आपको ये करवा दूंगा, ठीक है, आपसे मिल लूंगा मैं, ठीक है, इस टाइम मैं आपका कॉल अटेंड कर लूंगा, और उस टाइम आपको गायब हो जाना है, ठीक है। सामने वाला आपको 5,000 कॉल करे, 20,000 मैसेज करे, मिलने के लिए सब चीज़ें करे, आपको क्या करना है, एफर्ट्स ही नहीं लगाना, आपको क्या जाना ही नहीं है, ठीक है, आपको मीठी गोली देनी है, फिर आपको क्या एक बहाना लगा लेना है, ठीक है, अगले दिन बात करनी है, फिर वो कहेगा मैं तेरे से बात नहीं कर रही, आपने कॉल करा वो अटेंड वगैरह नहीं कर रहा, तो आपको वहाँ रिस्पॉन्स वगैरह नहीं देना, ठीक है, वो यूँ कहे मेरे को नहीं रहना, मैं कॉल नहीं करूँगा, मैसेज नहीं करूँगा, तो आप एक ही चीज़ कहना, एज यू विश यार, आपकी मर्जी, मेरी कुछ प्रॉब्लम थी, अब तुम नहीं सुनना चाहते हो, ठीक है। पार्टनर 1-2 दिन गुस्सा रहेगा, उसको लगेगा ये मेरे को मनाने आएगा, आप मनाने नहीं जाओगे तो वो खुद से आएगा या आएगी, फिर वो कहेगा क्या हुआ, फिर आप एक कहानी बना देना, यार मम्मी की तबीयत ऐसी होगी तो मेरे को यहाँ जाना पड़ा, नेक्स्ट टाइम पक्का मिलूंगी या मिलूंगा, फिर आपको क्या करना है, नेक्स्ट टाइम मिलना है बट कम टाइम देना है, ठीक है, थोड़ा सा टाइम मिलते ही जैसे बात करते करते, यार मेरे को जाना है, मैं 10 मिनट के लिए आया था, आई थी, ठीक है, आपको ऐसे करना। पार्टनर तड़पना चाहिए, पार्टनर को इच्छा होनी चाहिए, नहीं मेरे को मेरी बंदी के साथ टाइम स्पेंड करना है, कल तक जो मेरे लिए 24 घंटे अवेलेबल थी, आज साला 1 घंटे नहीं, आधे घंटे नहीं, आपको क्या फील करवानी है चीज़ें, समझे नहीं समझे, ऐसे फील करवाओगे। जो आपका पार्टनर 24 घंटे आपसे दूर भाग रहा है, वो 24 घंटे आपके लिए सोचना जरूरी समझेगा। आपको क्या उसका माइंडली डिस्टर्ब करना है, आपको क्या अपने रिलेशनशिप में ऐसा करना है, जैसे बात करते करते जैसे बहुत सारे लड़के आपको प्रपोज कर रहे हैं, बहुत सारी लड़कियां आपको प्रपोज कर रही है, आपको इस तरीके से एक साइकोलॉजी उसके माइंड में बनानी है। आप ऑफिस जा रहे हो या जिम जा रहे हो या कॉलेज जा रहे हो या कहीं पर भी जा रहे हो या आस पड़ोस में, आपको एक साइकोलॉजी डालना है, अरे यार कल तो वो लड़का देख रहा था, किसी लड़के का नाम ले लेना, ठीक है, अरे यार मैं जा रही थी मार्केट तो फिर एक लड़के ने मेरी हेल्प करी, मेरी स्कूटी पंचर होगी, कार पंचर होगी, ये हो गया। आपको इस तरीके से ट्रीट करना है कि उसका माइंड टोटली डिप्रेशन में चल जाए, अरे कोई लड़का ना पटा ले, अरे कोई लड़की ना पटा ले, ठीक है, उसके माइंड में डर आना चाहिए। ये डर नहीं आएगा तब तक सामने वाला आपसे जुड़ नहीं पाएगा। एक डर होता है ना एक रिलेशनशिप में,
तब एक इंसान जुड़ा रहता है। एक डर रहता है कि अगर हम नौकरी नहीं करेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे, नौकरी क्विट हो जाएगी। एक डर होता है कि साला मंथ आने वाला, हमारे खर्चे कैसे मेंटेन होंगे, हमें चीज़ें करनी पड़ेगी। वैसे एक डर होना चाहिए कि साला हमें अपने रिलेशनशिप को अच्छा करना है तो हमें अपने पार्टनर को टाइम देना है, केयर करना, फिर वो आपके पीछे भागेगा। जैसे कुत्ता दुम दबा के नहीं भागता, वैसे आपके पीछे आपका पार्टनर भागना जरूरी समझा। आप ही भगा सकते हो, आप ही सब चीज़ें कर सकते हो, आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट आप क्या यूज़ नहीं लेते। आप क्या करने लग जाते हो, कॉल पे कॉल करने लग जाते हो, आप मनाने लग जाते हो, आप रिक्वेस्ट करने लग जाते हो, आप घिड़घिड़ाने लग जाते हो, आप भीख मांगने लग जाते हो। यही एक पॉइंट होता है कि सामने वाला आपसे दूर भागता है, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचो, अब आपको और क्या करना है, अब आपको ये करना है कि थोड़ा खुद के लुक्स को चेंज करना, थोड़ा खुद में हैप्पीनेस रहना है, खुद के रिगार्डिंग बात करने मिलो तब एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसे आपका पार्टनर आपकी नज़रों में लल्लू है, आप हीरोइन हो, आप हीरो, आपको ऐसे ट्रीट करना, हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, भलाई वो आपसे काफ़ी रिच हो, भलाई वो आपसे काफ़ी सुंदर हो, बट आपको अपने आप को मैनिपुलेट ऐसे करना है सामने वाले की नज़र में कि साला आप उससे बेटर देन बेटर हो, आपके लुक्स काले हो, कलूटे हो, गोरे हो, कैसे हो, आपको ये करना, हाँ और क्या कर रहे हो, बढ़िया हो यार, कुछ करो ना यार, ये करना चाहिए, मैं भी ये कर रही हूँ, आपको ऐसा करना चाहिए बात करते करते, चलो ठीक है यार बाद में बात करते हैं, चलो खाना खा लो, आप काम कर लो, क्या चिपके रहोगे क्या। आपको खुद से उसको फ़ोन कट करना है, खुद से बाय बोलना है, खुद से कम मिलने जाना है, खुद से कम चीज़ें प्रोवाइड करा हुआ है, तो डेफिनेटली चीज़ें इतनी खतरनाक होगी कि आप खुद सोचने में चल जाओगे। आई होप तुम्हें वीडियो समझ आई होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना और ऐसे प्यार सपोर्ट बनाए रखना। बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।